वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च थर्ड वीक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष क्या है एक्चुअली? ये एक वैक्सीन कवरेज कैंपेन है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्चुअली 2014 के अंदर ही मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था, 2014 के अंदर, राइट। उसका मेन एम था कि मोर देन 90% पीपल को फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मिले अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया, जॉन्डिस, टेटनस, राइट। ऐसे बहुत सारे वायरल डिसीज है उसके अगेंस्ट में मोर देन 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को फुल वैक्सीनेशन मिले। ये मिशन इंद्रधनुष का उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट। 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन और उसका टारगेट ये था कि मोर देन 90% पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन मिले कौन से ईयर तक? 2022 तक। लेकिन अभी 2022 आ गया है लेकिन अभी तक 21 स्टेट ने फुल वैक्सीनेशन कवरेज 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन का नहीं किया था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सब मिशन लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष को पूरा करने के लिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। जैसे ये सब मिशन को लॉन्च किया गया, ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट कि जिसने 90.5% कवरेज कर लिया वैक्सीनेशन का। तो देखो, जरा भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2014 के अंदर, उसका टारगेट ये था 2022 तक 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन दिया जाए अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट वायरल डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया, ETC। लेकिन ये टारगेट ईयर कंप्लीट होने को आया 2022, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट ने 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं दिया था। इसके लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष को पूरा करने के लिए। और जब जैसे ही वो मिशन को लॉन्च किया गया, ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट कि जिसे 90.5% वैक्सीनेशन दिया अपने पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस वायरल डिसीज। ओके, हमारी सेकेंड न्यूज़ है कि इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया IIFL सिक्योरिटी के द्वारा। और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वन अप। इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया जिसका नाम है वन अप, किसके द्वारा? IIFL सिक्योरिटी। IIFL सिक्योरिटी का फुल फॉर्म इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पहले पता होना चाहिए कि देखो, ये दोनों कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं। कैपिटल मार्केट एक है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल IPO, IPO के अंदर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अपना फंड रेज करना चाहती है तो वही अपना IPO इश्यू करेगी। लेकिन एक बार वो 15 दिन के बाद जब वो लिस्ट होता है तब उसके अंदर ट्रेडिंग आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर करोगे। तो प्राइमरी मार्केट जस्ट फॉर IPO पर्पस के लिए होता है और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। भाई, प्राइमरी मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, नॉट जस्ट IPO बट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये तीन उसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। IPO के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर कोई कंपनी को फंड रेज करना है तो वो IPO इश्यू करती है, आप जैसे जनरल पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्ट करती है, फिर उस पैसे को कंपनी कोई जगह पे लगाएगी और कंपनी एक्सपांड करेगी, कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, जो प्रॉफिट करेगी वो आपके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट। वो क्या होता है? वो भी एक तरह का एक फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। यहाँ पे एक पेपर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा एक पेपर इशू किया जाएगा, एक डिबेंचर इशू किया जाता है। वहाँ पे लिखा होगा कि भाई मैं आपको 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतना पैसा दूंगा। आप मेरे अंदर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो मेरी कंपनी के अंदर, आप 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो मैं 5 साल के बाद कुछ इंटरेस्ट रेट के बाद आपको इतना फिक्स रिटर्न मैं आपको दूंगा। एक डिबेंचर के ऊपर एक कंपनी ये डिबेंचर इशू करती है।
अगर कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। लेकिन इसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि 5 साल से पहले आप इसके अंदर से पैसा निकाल नहीं सकते, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जिसके अंदर आप जो पेपर में लिखा होता है उसमें उस टाइमलाइन से पहले भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बारे में बात करूँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने नाम सुना होगा आई थिंक। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है एक्चुअली, कि फॉर एग्जाम्पल आजकल 53,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है, 53,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है, और आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर गोल्ड का प्राइस होगा 70,000। तो आप क्या करोगे कि गोल्ड अभी फिजिकल गोल्ड आपके पास रखोगे, और जस्ट आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही लिया है, और फिर जब भी 70,000 के आसपास 8-10 साल के बाद गोल्ड होगा तब उसको बेच दोगे। तो भाई RBI ऐसा कहता है कि अगर आप गोल्ड जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही लेते हो तो फिर उसको फिजिकल लेने की क्या ज़रूरत है, आप एक पेपर ले लो, आप एक पेपर ले लो, वो पेपर के अंदर आपको आज के प्राइस के ऊपर गोल्ड मिल जाएगा, राइट। आपको जितने साल तक आप गोल्ड रखोगे, मतलब वो पेपर रखोगे, आपको उतने साल तक 2.5%, 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा उतने साल का। जितने साल तक आप गोल्ड रखोगे आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके अलावा जब भी आप चाहो तब वो पेपर को बेच सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम मिनिमम 8 साल तक वो पेपर को अपने पास रखना पड़ेगा। 8 साल तक आपको वो पेपर को अपने पास रखना पड़ेगा। 8 साल के बाद तब जब भी आपको लगे कि गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ा है, मैंने जो इन्वेस्ट किया था उससे अच्छा खासा बढ़ा है, तब उसको बेच सकते हो। आपको तब तक पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज वो है कि आपको 8 साल तक उसके अंदर पैसा रखना पड़ेगा, और एडवांटेज वो है कि आपको पर ईयर 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको पेपर को होल्ड करने का। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि अगर आपको गोल्ड जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है तो आप गोल्ड को परचेस मत करो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड गवर्नमेंट को अपने पास जितना रखेगा तो वो अपनी जो करेंसी है वो बाकी देश के कंपैरिजन में स्ट्रांग बनती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप गोल्ड मत लो। इन्वेस्टमेंट अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है तब पेपर को ये ले लो, राइट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये तीन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि IPO, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है वनअप, और वह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया है, इंडिया इंफोलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड के द्वारा। ओके, अभी रिसेंटली फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा एक रैंकिंग लॉन्च की गई, और उसका नाम है द नेक्स्ट 500 लिस्ट। नेक्स्ट 500 लिस्ट जो नेक्स्ट 500 टॉप मिड साइज कंपनीज है उसका रैंकिंग अभी अनाउंस किया गया फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा। उस रैंकिंग के मुताबिक रेलवे सेक्टर की बात करें तो ओनली टेलीकॉम सेक्टर कंपनी जो रेलवे से बिलोंग करती है, रेलटेल, वो इस लिस्ट के अंदर आई है। देखो रेलवे सेक्टर की मैं बात करूँ तो दो कंपनी है, एक तो रेलटेल और एक है IRCTC। ये जो नेक्स्ट फाइनल लिस्ट जो मिड साइज कंपनीज की बात करें, मिड साइज कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम होता है उसको मिड साइज कंपनी बोलते हैं। तो रेलटेल की बात करूँ तो ये रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, रेलवे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जो एकमात्र टेलीकॉम सेक्टर की PSU है कि जो इस लिस्ट के अंदर आई है। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर की PSUs का क्या हाल है, BSNL वगैरह का। तो ये एकमात्र कंपनी जो PSU है और टेलीकॉम सेक्टर से जो इस लिस्ट के अंदर आई है उसका नाम क्या है, रेलटेल। ओके, उसके अलावा IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। तो रेलवे सेक्टर के दो ही कंपनी शामिल है 500 में से, रेलटेल और IRCTC, वो आपको ध्यान में रखना है। आपका होमवर्क रहेगा कि फर्स्ट नंबर पे ये लिस्ट के अंदर कौन सी कंपनी है, राइट। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जो द नेक्स्ट फाइनल लिस्ट का जो लिस्ट अनाउंस किया गया उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंपनी है वो आपको फाइंड करना रहेगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप चैलेंज, वाटर पीच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज अभी लॉन्च किया गया अंडर द अमृत 2.0। ओके, अंडर द अमृत 2.0। अभी देखो पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा अमृत के बारे में। ओके, अमृत के बारे में बात करूँ तो अमृत क्या है एक्चुअली, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्टिकुलरली बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था अमृत।
कब 2021 के अंदर, राइट, उसके लिए कितने रुपीज़ अलोकेट किए गए, 2.77 लाख करोड़। मिशन अमृत का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 तक 2024 तक हर घर में टैप कनेक्शन होना चाहिए, हर घर में टैप कनेक्शन 2024 तक होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। 2024 तक हर घर में टैप कनेक्शन होना चाहिए, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव। टैप कनेक्शन तो होगा, नल तो होना ही चाहिए, लेकिन फंक्शनल टैप कनेक्शन जिसके अंदर से पीने लायक पानी आए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2.77 लाख करोड़ उसके लिए अनाउंस किया है। 2021 के अंदर उसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया अमृत 2.0, और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर का एक प्रोजेक्ट है। ओके, तो अभी रिसेंटली उसी मिशन के अंडर एक चैलेंज लॉन्च किया गया, उसका नाम है वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज से लॉन्च किया गया, राइट। अभी चैलेंज एक्चुअली क्या है कि जो मिशन अमृत का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर घर को 2024 तक पानी मिले नल में से, तो उसके लिए जितने भी जो हर्डल्स वगैरह वाटर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर कोई स्टार्टअप जो वाटर सेक्टर में काम करता है और वो कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लाता है, राइट, इनोवेटिव सॉल्यूशन लाता है उस जो हर्डल्स का, और जो अगर वो इनोवेटिव सॉल्यूशन से ये मिशन टाइमलाइन के अंदर ख़त्म हो सकता है, तो ऐसे स्टार्टअप को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 20 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा उनके जो आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में उनको दिया जाएगा, 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख के इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो एक चैलेंज मतलब एक कंपटीशन टाइप का कि जिसके पास आइडिया है, जिसके पास सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे आए, गवर्नमेंट को जो अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसको 20 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा उसके आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये है एक चैलेंज जो अमृत मिशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी टी राजा कुमार बिकम द फर्स्ट सिंगापुरियन जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और वो प्रेसिडेंट बने FATF के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के बारे में आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। वो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है, G7 कंट्रीज़ के द्वारा। G7 एक ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स, G20, उसी तरह G7 एक ग्रुप है, वो ग्रुप के द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया है। वो G7 ग्रुप के अंदर कौन कौन है, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन, इस 7 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है G7, उसके द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रिवेंट एंड कॉम्बेट द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंस। ओके, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसको प्रिवेंट करना, उसको कॉम्बेट करना इस संस्था का मेन काम है, FATF का। और ऐसी आपको, आपने FATF का नाम बहुत सुना होगा, खासकर पाकिस्तान के साथ बहुत आपको आपने सुना होगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा। ओके, तो मैं उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। और ये अभी ऐसी संस्था के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, टी राजा कुमार, जो इंडियन नाम लग रहा है लेकिन वो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो हु इज़ द फर्स्ट सिंगापुरियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द FATF। अभी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, वैसे 3 लिस्ट होती है, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, लेकिन ग्रे लिस्ट के बारे में और ब्लैक लिस्ट, ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अभी देखो, कोई कंट्री अगर ग्रे लिस्ट के अंदर है तो उसको क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है, मैं आपको बहुत सारी पनिशमेंट है वैसे, लेकिन एक मेन डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ कि आपने सब संस्था का नाम सुना होगा, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, फिर वर्ल्ड बैंक, बराबर, ऐसे सब संस्था का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब संस्था मेनली क्या करती है कि जो भी कंट्री को, जो भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मतलब डेवलपमेंट करना है, तो ये संस्था यहाँ पे लोन देने का काम करती है कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, राइट। तो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर उसका नाम है, ग्रे लिस्ट के अंदर उसका नाम है, तो उस कंट्री को ये संस्था के द्वारा लोन नहीं मिलेगा, मतलब वो कंट्री का डेवलपमेंट के लिए अगर उसको अपने अंदर से ही पैसा निकालना पड़ेगा, इस कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, राइट। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर है तो ये संस्था के द्वारा लोन तो नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, वो कंट्री अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। आपको अपना खाना है और अपना ही चलाना है घर, ऐसा सिंपल, कि हाँ कोई लोन भी नहीं देगा और कोई
आप किसी को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते अगर आप ब्लैक लिस्ट के अंदर हो तो। तो ये दो मेन डिफरेंस है एक्चुअली ब्लैक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का, जो FATF के द्वारा ये लिस्ट बाहर निकाली जाती है रेगुलर इंटरवल के ऊपर। राइट ओके, तो इसके प्रेसिडेंट बने अभी टी राजा कुमार। ओके हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया एक पोर्टल, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल फॉर परचेसिंग और रजिस्टरिंग ई ऑटोज। अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक संस्था के साथ पार्टनरशिप करके ये पोर्टल को लॉन्च किया। वो संस्था का नाम है क्या है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड ये संस्था के साथ पार्टनरशिप करके दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल। और ये माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल ने यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस, अकासा फाइनेंस, मणिपुरम फाइनेंस, रेवफिन एंड प्रेस्ट लोन के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है। उसका पार्टनरशिप करने का मेन मोटिव ये है कि अगर कोई ऑटो परचेस करता है माई इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टल के ऊपर से, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल के ऊपर से कोई अगर ऑटो को परचेस करता है, तो यहाँ पे जो उनको लोन प्रोवाइड की जाएगी ना, जो परचेस करते हैं उनको लोन प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो ये 6 संस्था के साथ में से लोन लेती है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, एक तो ऑटो परचेस करना होना चाहिए ई ऑटो स्पेशली माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल के ऊपर से, तो माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल ने ये टोटल 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है कि अगर कोई पर्सन ये 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर से अगर वो लोन लेती है तो उसको सब्सिडाइज लोन मिलेगी, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अभी इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल पब्लिक ऑटो लेने के लिए जाता है ये पोर्टल के ऊपर से, तो अगर कोई पोर्टल के ऊपर से नहीं, कि पोर्टल के बिना राइट ई ऑटो लेने के लिए जाता है, तो ये संस्था क्या करेगी, 10% फॉर एग्जाम्पल 10% के ऊपर वो लोन देती है। राइट, अगर कोई माई इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टल के ऊपर से ई ऑटो नहीं परचेस करता है, तो ये संस्था जो 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 10% के ऊपर उनको लोन देती है। लेकिन अगर वो माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल के ऊपर से ई ऑटो परचेस करते हैं तो उनको 8% के ऊपर लोन मिलती है। राइट, तो ये जो 2% कम दिया जा रहा है ना यहाँ पे, उस 2% को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। राइट, कि अगर आप माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल के ऊपर से ऑटो परचेस करोगे तो आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जस्ट सिंपल। बराबर, तो ये एक बेनिफिट ये है कि आप इस पोर्टल के ऊपर से क्यों ई ऑटो परचेस कर सकते हो, कि एक तो एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा लोन के ऊपर, लेकिन आपको लोन ये 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ही लेनी पड़ेगी। राइट, देन उसके अलावा आपको बेनिफिट मिलेगा कि 7,500 रुपये अगर आपका पुरानी ऑटो है आपके पास तो उसको आप स्क्रैप करोगे तो 7,500 रुपये आपको उसके कैश बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा 30,000 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा आपको ई पोर्टल के ऊपर से परचेस करने पे। और बाकी टोटल बेनिफिट और ओवरऑल मिला के, और ये 30,000 और 7,500 के अलावा 25,000 के एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको, अप टू 25,000। मतलब वो जरूरी नहीं है कि 25,000, अप टू 25,000 लिखा हुआ है। तो मतलब ये इतने सारे बेनिफिट अगर आप माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल के ऊपर से ई ऑटो को परचेस करते हो तो। दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत फोकस करता है, उसका एक मेन टारगेट भी है कि 2022 के एंड तक उसके सभी गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए। और क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत पॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत काम करती है। राइट, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आए, अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है तो आप दिल्ली गवर्नमेंट 99% केस के अंदर लिख सकते हो। राइट ओके, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया ₹20,000 करोड़ एक स्कीम के अंदर फॉर MSME टिल 2023 तक। देखो अभी ये एक्चुअली न्यूज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल एक MSME है, MSME ने लोन लिया था, कोई MSME मतलब पता है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, कोई एक एंटरप्राइज है जो MSME के अंडर में आती है, उसने कभी लोन लिया था, वो अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है। तो लोन का रीपेमेंट अगर नहीं करती है तो उसका अकाउंट एक डिफरेंट डिफरेंट फेज में से पास होता है। देखो अगर आप लोन लेते हो, आपका लोन अप्रूव होता है, तब सबसे पहले आपका अकाउंट होगा स्टैंडर्ड अकाउंट। अगर जैसे ही आप लोन का रिपेमेंट 1 से 30 दिन के अंदर नहीं करते स्टार्टिंग के, तो
तो आपका अकाउंट हो जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, जीरो कैटेगरी के अंदर। अगर आप 31 to 60 days तक लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बन जाता है लोन अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट वन कैटेगरी के अंदर। अगर आप 61 to 90 days के अंदर अभी भी लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट बन जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट टू कैटेगरी के अंदर, राइट। और अगर आप 90 days से ज़्यादा लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे ऐसे MSME की जिसका लोन अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट टू और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, ऐसे MSME को फर्दर फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबऑर्डिनेट डेब्ट। उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबऑर्डिनेट डेब्ट, मतलब जो ऑलरेडी डेब्ट के अंदर है उसको फिर से क्रेडिट गारंटी देना, फिर से लोन देना। गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम दी है कि ऐसे MSME जिन्होंने पहले कभी लोन लिया होगा लेकिन अभी उनका लोन का रीपेमेंट कोई ना कोई वजह से, मैं आपको वजह भी अभी बताऊंगा कि कोई वजह से उनका लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाया और उनके लोन का अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट टू और NPA कैटेगरी के अंदर पहुँच गया है, तो ऐसे MSME को ये स्कीम के अंडर में फिर से लोन दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने उसके लिए कितने अलोकेट किए हैं, 20,000 करोड़ रुपया अलोकेट किए हैं 2023 तक। इतना आपको समझ में आया? अभी अभी सर आप बोलोगे कि ये तो हर कोई कर सकता है कि लोन रिपेमेंट नहीं किया चलो हमको तो फिर से लोन मिल जाएगा, लेकिन ये उस MSME के लिए है जिसने लोन, जो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाए, क्यों? मार्केट कंडीशन की वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से वो लोन नहीं रिपेमेंट कर पाए। तो मार्केट कंडीशन मतलब आपको अभी मैं एग्जांपल दूं कि 1-2 साल पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक ख़तरनाक मंदी आई थी, उसका मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने रातों रात बोल दिया था कि भाई अभी 31 दिसंबर से BS4 इंजन का यूज़ नहीं होगा, BS4 इंजन का यूज़ नहीं होगा 31 दिसंबर से, मतलब BS6 इंजन का यूज़ होगा। अभी जितने भी मॉडल हमारे BS4 इंजन के थे, जितने भी मॉडल हमारे BS4 इंजन के थे वो वेस्ट हो गए, तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी को हुआ था। इसके लिए वो फिर इसको बोलते हैं मार्केट कंडीशन, राइट। तो अगर इस किसी टाइप के रीज़न की वजह से अगर कोई लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में फिर से लोन दिया जाएगा ये स्कीम के अंडर में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी रिसेंटली RBI ने एक डायरेक्शंस लॉन्च किए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है माइक्रो फाइनेंस लेंडर के लिए, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए। सबसे पहले तो हम माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है उसके बारे में बात करें। माइक्रो फाइनेंस लोन को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ कोलेटरल फ्री लोन, वहाँ पे किसी की कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती बैंक्स के द्वारा, कोलेटरल फ्री लोन है। गिवन टू द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या किसको बोलते हैं, हाउस होल्ड मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फैमिली के जिसके अंदर हस्बैंड हो, वाइफ हो और उनके अनमेरिड चिल्ड्रन हो, राइट। कि एक कोलेटरल फ्री लोन दी जाती है एक हाउस होल्ड को जिसकी इनकम, फैमिली इनकम कितनी हो, 3 लाख से कम, तो ऐसी लोन को माइक्रो फाइनेंस लोन बोला जाता है। और हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन आता है, हस्बैंड वाइफ और एक उनके अनमेरिड चिल्ड्रन, उनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपको, आपने ऐसी फैमिली को लोन दिया है तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर में आएगा। और जो संस्था माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है उस संस्था को माइक्रो फाइनेंस लेंडर या तो फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, राइट। ओके, तो RBI ने ऐसे माइक्रो फाइनेंस लेंडर और ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ डायरेक्शंस लॉन्च किए हैं। अभी माइक्रो फाइनेंस लेंडर के अंदर कोई भी आ सकता है, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। कॉमर्शियल बैंक के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लेकिन यहाँ पे पेमेंट बैंक को काउंट नहीं किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी RBI ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए, उसमें कौन से बैंक को एक्सक्लूड किया गया था, पेमेंट बैंक को, राइट, बराबर। और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसको अंदर इंक्लूड है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड है डायरेक्शन के अंदर, उसको उसके लिए भी डायरेक्शन ये लागू होगा। अभी डायरेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शन के अंदर ये है कि जो लोन दी जाती है ना कोलेटरल फ्री लोन, उसके लिए अभी देखो
कि कार लोन अगर फॉर एग्जांपल बैंक देती है तो कार परचेस करने के लिए, होम लोन बैंक देती है तो वो होम परचेस करने के लिए, तो मतलब एक स्पेसिफिक यूज़ पर्सन को होना चाहिए। आपका बैंक का आदमी आके देखेगा आपने भाई कार लोन कार से कार ही खरीदने के वहाँ पे कोई दूसरी जगह पे आपने वो पैसा डाल दिया, राइट। लेकिन अगर आप ई लोन लेते हो, माइक्रो फाइनेंस लोन, तो कोई भी यूज़ आपका एंड यूज़ क्या है वो नहीं देखा जाएगा। मतलब कोई भी बैंक पर्सनल आपके आपने वो पैसे से क्या किया वो नहीं देखेगा। तो पहली डायरेक्शन तो वो है। सेकंड क्या बोला गया है कि अगर आप किसी को कोलेटरल फ्री लोन या माइक्रो फाइनेंस लोन देते हो तो उसका जो रीपेमेंट आता है ना, रीपेमेंट का ईएमआई जो मंथली पेमेंट का जो अमाउंट बनता है वो उस पर्सन का मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 25,000 की उस पर्सन की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है, तो कोई भी बैंक उसको इतना लोन नहीं दे सकता कि उसका मंथली ईएमआई 20,000 आए, राइट। उसका मंथली ईएमआई 20,000 आए और ऐसा लोन कोई भी बैंक उसको नहीं दे सकता। उसको मैक्सिमम कितना लोन देना है कि उसका ईएमआई कितना आना चाहिए कि उसका मंथली इनकम है 25,000, तो उसका ईएमआई आना चाहिए 12,500। तो एक लिमिट यहाँ पर सेट किया गया है कि भाई वो मंथली इनकम वो पर्सन की कितनी, उसका 50% तक ही आप मैक्सिमम उसका ईएमआई आना चाहिए, राइट। उसके अलावा हाँ, अभी ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, उसके बारे में बात करूँ। चलो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किसको बोला जाता है, जी जो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, अगर उसकी एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, और NBFC जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है लेकिन उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया सेट किया गया, इसलिए मैं उसको अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जिसकी एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो अपने लोन पोर्टफोलियो में जितनी भी फॉर एग्जाम्पल साल के अंदर लोन देते हैं उसका मैक्सिमम 10% इस कैटेगरी के अंदर वो लोन दे सकते हैं। जिसकी एसेट साइज 100 करोड़ से कम है वो मैक्सिमम 12% ये कैटेगरी के अंदर लोन दे सकते हैं, और जो NBFC है वो मैक्सिमम 25% इस कैटेगरी के अंदर लोन दे सकता है। ये क्राइटेरिया एक डायरेक्शन RBI के द्वारा सेट किया गया कि आपको इससे ज़्यादा ये कैटेगरी के अंदर लोन नहीं देना है, उसका मेन पर्पस ये है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि एयर इंडिया को एक्वायर किया गया है टाटा सन्स के द्वारा। तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन, जो पहले टाटा सन्स के चेयरमैन थे, राइट। तो एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने थाउजेंड करोड़ के अंदर लिया है वो एक इम्पोर्टेंट है, 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ के अंदर एयर इंडिया को टाटा सन्स ने लिया है, और उसके साथ आपको पता हो तो एयर इंडिया को जब उसका बिडिंग हो रहा था ना, तब टाटा के साथ स्पाइस जेट भी उसके साथ कंपटीशन में था, स्पाइस जेट। लेकिन वो यस स्पाइस जेट ने आई थिंक 13,000 या 15,000 करोड़ का ऑफर रखा था, लेकिन टाटा ने 18,000 करोड़ का ऑफर रखा, इसलिए फिर उसको एयर इंडिया टाटा सन्स को दिया गया, राइट। तो एयर इंडिया के अभी नए चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के पहले चेयरमैन थे। अभी एक लॉन्गेस्ट वेसल एवर, अभी तक की सबसे बड़ी वेसल, अभी वेसल किसको बोला जाता है, कोई भी शिप जो कार्गो कैरी करता है ना उसको वेसल बोलते हैं। तो अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट वेसल एवर के जो जिसकी लेंथ है 90 मीटर, 90 मीटर उसकी लेंथ है, वो अभी सेल हो रही है, मतलब तैर रही है, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, राइट। अभी ये वेसल का नाम क्या रखा है कि एक फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर रखा है उनका नाम, MV मोटर व्हीकल राम प्रसाद बिस्मिल, जो अभी तक की इंडिया के द्वारा बनाई गई सबसे लंबी लॉन्गेस्ट वेसल, जो कार्गो शिप होती है उसको वेसल बोल लेते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर अभी चल रही है, और उसका नाम रखा गया एक फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर। बस आपको इतना याद रखना है। चलो, अभी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सिपरी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिपरी का फुल फॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, उसके मुताबिक कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स। मेजर आर्म्स मतलब जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, इंडिया, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, USA, राइट। तो टॉप 5 लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्ट 2017 और 2021 के बीच का डेटा है यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करवाता है? इंडिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करवाता है? तो यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी, राइट। तो यही एक रीज़न है क्योंकि यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट में। तो जब भी कोई कोई और दो कंट्री के बीच में कोई भी मतलब अनबना होता है, तब यूएसए बीच में आ जाता है, क्योंकि उसका मेन बिजनेस ही एक्सपोर्ट करना है डिफेंस इक्विपमेंट को। तो जितना ज़्यादा मतलब झगड़ा होगा तो उतना ज़्यादा उसके इक्विपमेंट्स बिकेंगे, राइट। तो हाँ, कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी एक संस्था के तौर एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, उसके मुताबिक हु इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स इन ड्यूरिंग द 2017 से 2021 के बीच में इंडिया, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है ये टाइम पीरियड के दौरान? यूएसए, राइट। देखो, इंडिया पे ग्लोबली जितने भी आर्म्स का इंपोर्ट होता है ना, उसका 11% इंपोर्ट इंडिया करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 करोड़ का इंपोर्ट होता है आर्म्स इक्विपमेंट का, तो उसमें से 11 करोड़ का इंपोर्ट इंडिया करवाता है, जो पहले 2012-16 के डेटा के दौरान ये 14% था। मतलब ये कम हुआ है, ये 2012-16 के जो डेटा था उसके मुताबिक इंडिया पहले 14% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट इंडिया इंपोर्ट करवाता था, जो अभी 11%। मतलब अभी इंपोर्ट इंडिया पहले से कम करवा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा करवा रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी एक इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया, नेशनल वैक्सीनेशन डे, कब? 16 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे, उसकी थीम रखी गई थी वैक्सीन्स वर्क फॉर द ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर द ऑल, ये उसकी थीम रखी गई थी। एक्चुअली ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 16 मार्च 1995 के ऊपर एक पहला डोज रखा गया था पोलियो के खिलाफ। इंडिया की तरफ से फर्स्ट डोज रखा गया था वैक्सीन का पोलियो के खिलाफ 16 मार्च 1995 के डेट के ऊपर। तो 16 मार्च 1995 से ही ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया गया था 16 मार्च 1995, तब से लेके हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर द ऑल, राइट। ओके, और उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में वैक्सीन के बारे में, कि नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कब चालू हुआ था? तो वो चालू हुआ था 16 जनवरी 2021 को चालू हुआ था, राइट। और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन, उसके दो टाइप हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राइट। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि अभी तक जो जो डिलीवरी है, जो पुअर वुमेन जनरली क्या करती है कि अपने घर में ही डिलीवरी करवाती है, तो उसके लिए मोर्टालिटी रेट माँ का और बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पुअर वुमेन है पर्टिकुलरली, वो कोई एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, जो मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके एटलीस्ट डिलीवरी करवाए कि उनका मोर्टालिटी रेट कम हो जाए और एलिमिनेट हो जाए, राइट। ओके, कि अभी रिसेंटली एक कार लॉन्च की गई, टोयोटा मिराई, किसके द्वारा? नितिन गडकरी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। और वो कार और कुछ नहीं, वो इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड FCEV कार है, जो न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। देखो, सबसे पहली बात कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर है ना, दो टेक्नोलॉजी अभी तक आई है। एक टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन बैटरी, आपने नाम सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी। राइट, और एक सेकंड टेक्नोलॉजी का नाम है ये FCEV, हाँ, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। हाँ, तो अभी जनरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के अंदर चल रही है, वो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी वाला है, FCEV वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो थोड़े एडवांस है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाँ, कि एक बार चार्ज करने से वो 650 किलोमीटर चलेगा, अगर ये टेक्नोलॉजी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो। एक बार चार्ज करने से 650 किलोमीटर चलेगा, और उसका फुल रिचार्ज 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, राइट। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से एक कार बनाई गई है, टोयोटा मिराई। एक्चुअली ये कार वर्ल्ड लेवल के ऊपर तो 2014 के अंदर ही बनाई गई थी जापान के अंदर, राइट। लेकिन अभी वो इंडिया के अंदर पहली बार लॉन्च की गई है, तो वो लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा की गई है, दिल्ली के अंदर वो बनेगी, राइट। तो टोयोटा मिराई, जो एक्चुअली टोयोटा के
किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी दोनों ने साथ में मिलकर ये कार 2014 के अंदर पहली बार जापान के अंदर बनाई थी और अभी वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं टोयोटा मिराई को। ओके नेक्स्ट। ओके अभी रिसेंटली एक लिस्ट लॉन्च किया गया, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। देखो हुरुन फॉर्च्यून के द्वारा, हुरुन के द्वारा रेगुलर इंटरवल के ऊपर रिच लिस्ट जो बिलियनर्स पीपल होते हैं उनकी रैंकिंग के बारे में लिस्ट बार बार रेगुलर इंटरवल के ऊपर लॉन्च की जाती है। तो अभी रिसेंटली हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट अभी अनाउंस किया गया, उसके अकॉर्डिंग 2022 की रैंकिंग है कि मुकेश अंबानी क्लेम्स द रिचेस्ट इंडियन एंड एशियन टाइटल, सबसे बड़े बिलियनियर्स इंडियन इंडिया के और एशिया के कौन बने? मुकेश अंबानी, जो ग्लोबल लेवल पे उनका रैंक है 9th नंबर, ग्लोबल लेवल पे उनका 9th नंबर है। ओके ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़े बिलियनियर्स कौन है, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है? एलन मस्क, को फाउंडर ऑफ द टेस्ला, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर सबसे मतलब रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, एलन मस्क। ओके तो ये पूरी रैंकिंग मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म के अंदर दी है कि सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, उनकी वर्थ है 205 बिलियन डॉलर, जो टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस, उनकी वर्थ है 188 बिलियन डॉलर, जे अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। ब्रांड अर्नोल्ड 153 बिलियन डॉलर, वो LVMH कंपनी के फाउंडर हैं। फोर्थ नंबर पे बिल गेट्स वगैरह, और हमारे मुकेश अंबानी 9th नंबर पे है और उनकी नेटवर्थ है 103 बिलियन डॉलर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर हैं। राइट अभी थोड़े से और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अभी इंडिया के अंदर टोटल 249 बिलियनियर्स हैं, जिसमें से 215 तो इंडिया के अंदर रहते हैं और 34 बिलियनियर्स बाहर रहते हैं। ओके और इंडिया बिलियनियर्स के बाबत में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स एक तो US के अंदर है, उसके बाद चाइना के अंदर, और उसके बाद थर्ड नंबर पे इंडिया है सबसे ज़्यादा। राइट और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कहाँ पे हैं? मुंबई, मुंबई के अंदर। तो आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके तेलंगाना बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना तेलंगाना। अब ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स क्या है एक्चुअली? देखो एक सिंपल बात कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कल्टीवेटेड एरिया है, मतलब हम गुजराती में बोले तो फलद्रुप जमीन, राइट? अगर मेरे पास कोई कल्टीवेटेड एरिया है, अगर मैं उसके अंदर सेम टाइप के क्रॉप को अगर मैं ग्रो करवाता हूँ, तो क्या मैं उस ज़मीन का एफिशेंटली यूज़ कर रहा हूँ? कि मैं तो इतने अच्छी ज़मीन का मैं जस्ट एक ही क्रॉप को यूज़ करने, एक ही क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, तो तब मुझे मार्क्स दिया जाएगा 0। ऐसी कंडीशन में मुझे 0 मार्क्स दिया जाएगा, राइट? ओके अगर मैंने वैसी ज़मीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्रॉप को ग्रो किया, मतलब उसको मैंने एफिशिएंटली यूज़ किया है, तो मुझे मार्क्स दिए जाएंगे 5। मतलब ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स क्या है कि आप पर्टिकुलर कल्टीवेटेड एरिया को कितनी डाइवर्सिफिटी से आप उसको यूज़ करते हो, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग आपको 0 से 5 के बीच में मार्क्स दिए जाएंगे और आपके इंडेक्स में आपका रैंकिंग होगा, जस्ट सिंपल। तो ये अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने वाला, ये इंडेक्स इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? तेलंगाना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट? ओके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना तेलंगाना। ओके ओके और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है एक वॉलेट, UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन ऑफलाइन मोड। ओके हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि RBI ने अगर आपको फीचर फोन से, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है लेकिन आपको डिजिटल ट्रांसफ़र करना है, तो आप फीचर फ़ोन से मतलब कीपैड वाले फ़ोन से भी डिजिटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए RBI ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, UPI 123 Pay, राइट? फिर उसके थ्रू आप किस तरह से डिजिटल ट्रांसफ़र कर पाते हो तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके लेकिन अभी इसके अंदर जिस तरह से कैसे अमेज़ोन के अंदर अमेज़ोन का वॉलेट होता है, अमेज़ोन पे होता है, पेटीएम के अंदर एक वॉलेट होता है, उसी तरह अभी ये एप्लीकेशन के अंदर भी वॉलेट लॉन्च किया गया। उसका नाम रखा गया है UPI लाइट, राइट? UPI लाइट उसका नाम रखा गया है। ये वॉलेट के अंदर आप मैक्सिमम कितने रुपीज़ रख सकते हो?
2000 रुपीज़ आप स्टोर कर सकते हो, और ये वॉलेट के थ्रू आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर पाओगे 200 रुपीज़। अभी ये वॉलेट का यूज़ करने का मेन बेनिफिट ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इसको किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफ़र किया जा सकता है ये एप्लीकेशन के थ्रू। इसमें आपको एक UPI पिन डालना पड़ता था। UPI पिन तो हमको भी स्मार्टफोन यूज़र्स को भी डालना पड़ता है। तो अगर आपको UPI पिन भी नहीं डालना है तो आप अगर नॉन स्मार्टफोन यूज़र हो, आप UPI 123 पे का यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके वॉलेट के अंदर 2000 रुपीज़ मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। अगर आप 200 रुपीज़ तक ट्रांसफ़र करना है आपको, तब उसके वॉलेट के अंदर से ही डायरेक्टली पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब आपको UPI पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी रिसेंटली एक ऐसे वॉलेट UPI लेट को अभी लॉन्च किया गया सेम संस्था के द्वारा जिसने UPI 123 पे लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको समझ में आया होगा। ओके चलो, उसी के ऊपर एक दूसरी न्यूज़ है कि जिस तरह अभी आप देखते होंगे कि हमारे हम अगर गूगल पे फॉर एग्जांपल गूगल पे ओपन करते हैं तो बहुत सारे LIC है, फिर BPCL, फिर MGVCL, मतलब जो बिलिंग कंपनीज है उसने उसके साथ पार्टनरशिप करके रखा है, आप उसके बिल्स गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, राइट। तो उसी तरह BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL वो पहली कंपनी बनी कि जिसने UPI 123 पे के साथ पार्टनरशिप किया। अब अगर आपके पास UPI 123 पे एप्लीकेशन है, आप उसको ओपन करोगे तो आप उसके अंदर से BPCL के जो भारत गैस के जो पेमेंट्स होते हैं ना, भारत गैस के जो पेमेंट्स जो होते हैं, वो डिजिटली ट्रांसफ़र कर पाओगे आप ई एप्लीकेशन के थ्रू। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वो एक पहली कंपनी बनी कि जिसने UPI 123 पे के साथ पार्टनरशिप किया, और अभी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है फिर भी आप घर बैठे बैठे BPCL का, आप तो आप पता ही है कि BPCL का गैस आप फ़ोन से बुक करवा सकते हो, और आप पेमेंट भी अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप डिजिटली कर सकोगे आप ये एप्लीकेशन का यूज़ करके। फिर वहाँ पे BPCL ने उसके साथ पार्टनरशिप किया है, इसलिए तो विच कंपनी बिकम द फर्स्ट कंपनी टू पार्टनर विद UPI 123 पे जिस जो ऑफर करता है एक डिजिटल पेमेंट टू द नॉन इंटरनेट यूजर्स, तो BPCL, राइट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, ये पूरा मैंने मैकेनिज्म भी यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट। आप ये नंबर पे गैस को बुक करा सकते हो, फिर जब पेमेंट के बारे आएगी तब आप ये एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि उसका CMD कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। ओके, अभी एक रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी लॉन्च किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा? UN के द्वारा। उसके मुताबिक इंडिया का रैंक आया है 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और टॉप किसने किया है? फिनलैंड। देखो ये न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि एक रिपोर्ट है कि कौन सी कंट्री के सिटीजन्स कितने हैप्पी है। अभी ये मेजरमेंट 6 फैक्टर के ऊपर किया गया है। 6 फैक्टर कौन कौन से वो मैं आपको समझाता हूँ कि कंट्री की GDP कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स रहते हैं उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, जेनरोसिटी मतलब ऑनेस्टी कितनी है वो कंट्रीज़ के अंदर, सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है कंट्री के अंदर, फ्रीडम कितनी मिल रही है कंट्री के अंदर, और करप्शन कितना हो रहा है कंट्री के अंदर। ये 6 फैक्टर को ध्यान में रख के एक हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UN के द्वारा। ओके, तो ये टोटल 146 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, उसमें इंडिया का रैंक आया है 136, मतलब हम ऑलमोस्ट अनहैप्पी के दायरे में है। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? फिनलैंड। टॉप 5 कंट्री की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड। ओके, और UK और US और UK कौन से नंबर पे है? UK 70 नंबर पे है और US 16 नंबर पे है। फ्रांस ने इम्प्रूव करके उसका रैंक हुआ है 20, जो लास्ट टाइम बहुत पीछे था, राइट। लेकिन इंडिया का रैंक बहुत पीछे, 136 आउट ऑफ 146। और सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? वो एज यू नो अफगानिस्तान, राइट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, इंडिया का रैंक क्या है, टोटल कितनी कंट्री का सर्वे किया गया, कौन टॉप पे है, कौन लास्ट में है, US UK का आपको रैंक पता होना चाहिए, राइट। और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फ्रांस ने की है, वो अभी 20 रैंक के ऊपर है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि अभी मार्च एंड के अंदर मिस वर्ल्ड का अनाउंसमेंट किया गया,
जिसमें मिस वर्ल्ड इस बार हुई है कैरोलिना बिलेवस का, जो पोलैंड से बिलोंग करती है, राइट। और ये 70th एडिशन था मिस वर्ल्ड का, मिस वर्ल्ड का ये 70th एडिशन था जो पोलैंड की एक वुमेन है कैरोलिना बिलेवस्का के द्वारा जीता गया है 70th एडिशन, राइट। अभी मिस वर्ल्ड की बात आई तो हमारे इंडिया की हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा देख ले, मिस वर्ल्ड की हिस्ट्री की तरफ। तो इंडिया की सबसे पहली वुमेन की जो मिस वर्ल्ड बनी थी उसका नाम था रीटा फेरिया पोवेल। नॉन इंडियन नहीं लग रहा है लेकिन वो इंडियन वुमेन थी कि जो पहली बार मिस वर्ल्ड जीती थी, कब, 1966 के अंदर। सेकेंड टाइम उसके बाद ईश्वरा राय 1994 के अंदर, डियाना हेडन 1997 के अंदर, युक्ता मुखी 1999 के अंदर, प्रियंका चोपड़ा 2000 के अंदर और मानुषी चिल्डर 2017 के अंदर ये खिताब जीत चुके हैं। तो अभी तक इंडिया की तरफ से आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6% मिस वर्ल्ड जीत चुके हैं, राइट। सबसे पहली बार रीटा फेरिया पोवेल, सबसे अभी लेटेस्ट मानुषी चिल्डर ने जीता था और प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय ने भी कब जीता था वो आपको ध्यान में रखना है। तो मिस वर्ल्ड इवेंट की अगर बात करूँ तो इस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स, वो कब लॉन्च किया गया था, 1951 के अंदर मिस वर्ल्ड लॉन्च किया गया था। और द मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओन्स एंड मैनेज द एनुअल मिस वर्ल्ड फाइनल्स, राइट। ये मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही ये इवेंट को मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ओके। तो ये मिस वर्ल्ड के बारे में हमने बात रखी कि कौन इस बार मिस वर्ल्ड बना और इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी। उसके अलावा जितनी भी कॉन्टिनेंटल हैं, उस कॉन्टिनेंटल विनर्स ऑफ द मिस वर्ल्ड की हम बात करें तो मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी करके, राइट। मिस वर्ल्ड अफ्रीका जो सेकंड रनर है ओलिविया येस, मिस वर्ल्ड कैरेबियन एमी पेना, मिस वर्ल्ड एशिया काला यूल्स और मिस वर्ल्ड यूरोप एन्ना लेटिस। आपको एक बार जस्ट पढ़ लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है लेकिन वो कौन कौन से कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिखा ही है, एक बार जस्ट पढ़ लेना है, राइट। ओके, अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड का नाम है बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर। बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर एक अवार्ड दिया गया एक संस्था के द्वारा, वो संस्था का नाम है एसोचैम, उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक अवार्ड दिया गया बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर। अभी ये कोई बैंक का नाम नहीं है एमएसएमई बैंक, एमएसएमई बैंक मतलब जो बैंक एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत पैसा देती है, बहुत उसको सपोर्ट करती है, उस बैंक को ये अवार्ड दिया जाता है हर साल एसोचैम के द्वारा। और इस बार किसको दिया गया, कर्नाटका बैंक को दिया गया, राइट। बस इतना आपको याद रखना है कि अभी बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, एसोचैम के द्वारा। किसको दिया गया, कर्नाटका बैंक को दिया गया, राइट। उसके अलावा बेस्ट टेक्नोलॉजी इनेबलर ऑफ द ईयर करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, एक्सलेंट सर्विस ऑफ द ईयर सत्य माइक्रो कैपिटल लिमिटेड, ये संस्था को दिए गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर, वो कर्नाटका बैंक को दिया गया है। अभी एसोचैम की बात करें, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक संस्था है, इस इंडियाज ओल्डेस्ट चैम्बर है, एपेक्स चैम्बर जो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। इट हैज़ मोर देन 400 एसोसिएशंस फेडरेशंस इन रीजनल चैम्बर्स। उसके प्रेसिडेंट है विनीत अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल है दीपक सूद और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। तो यस, बेस्ट एमएसएमई बैंक तो ऑफ द ईयर एसोचैम के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया, कर्नाटका बैंक को दिया गया, ओके। अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं नेवा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है नेवा, उसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, राइट, उसका फुल फॉर्म क्या है, हाँ, नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखो ये एक्चुअली उसका मेन पर्पस ये है लॉन्च करने का कि टू इम्प्लीमेंट द पेपरलेस प्रोसीडिंग्स अंडर द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखो अगर कोई विधानसभा, कोई स्टेट की विधानसभा जो होती है उसको अपनी अपनी सभी प्रोसीडिंग्स पेपरलेस करनी है तो आपको ये एप्लीकेशन के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपको को ये अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स डिजिटल करनी है, पेपरलेस करनी है, तो आपको जितना भी खर्चा होगा उसमें से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 90% और 10% स्टेट गवर्नमेंट को ही निकलना पड़ेगा 10%, राइट। तो आपकी जो विधानसभा की जितनी प्रोसीडिंग्स है आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं रखना है, अगर आपको पूरी प्रोसीडिंग्स डिजिटल करनी है
तो आपको ये एप्लीकेशन के अंदर एनरोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जितना भी खर्चा होगा उसमें 90% सेंटर प्रोवाइड करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट। तो अभी ऐसा करने वाली पहली पहला स्टेट कौन सा बना कि जिसने अपनी सारी प्रोसीडिंग्स विधानसभा की पेपरलेस कर ली, वो बना है नागालैंड, राइट। नागालैंड पहला ऐसा स्टेट बना कि टू गो पेपरलेस असेंबली प्रोसीडिंग्स अंडर द नेवा। अभी नेवा एक कुछ भी नहीं, एक एप्लीकेशन है जो कहाँ पे मिलेगी आपको, प्ले स्टोर के अंदर से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे। वो एक प्लेटफॉर्म है मेघराज करके, मेघराज करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको मिलेगी, राइट। मेघराज प्लेटफॉर्म वो कौन से संस्था के द्वारा बनाया गया है, NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपने ये डोमेन का नाम सुना होगा .NIC, .in, ये डोमेन बहुत सारी जगह पे सुना होगा। जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स है उसके पीछे डोमेन लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये संस्था होल्ड होती है, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। गवर्नमेंट का जितना भी IT सेक्टर का काम है वही संस्था करती है, राइट। तो उसी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेघराज, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी नेवा। अगर आपको उसके अंदर एनरोल करना है तो आपको जो कितना भी खर्चा होगा स्टेट गवर्नमेंट का, वो 90 और 10 सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा, और ये ऐसा करने वाली पहली स्टेट बनी नागालैंड। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। गवर्नमेंट के द्वारा एक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया गया, जो इंडिया का पहला कार्गो टर्मिनल है, और उसको नाम दिया गया गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, क्योंकि ये PM ने जो 2021 के अंदर लॉन्च किया था ना गतिशक्ति स्कीम और नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, तो उसी के अंडर में ये टर्मिनल बनाया गया है। इसके लिए उसको नाम दिया गया गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। कहाँ पे बनाया गया है, एसेंसोल डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, ओके, एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। गतिशक्ति हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, उसके बारे में समझे, राइट। ओके, कि यस, कि 2021 के अंदर प्रधानमंत्री ने ये गतिशक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया था। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं कि हमने 2019 के अंदर एक विज़न रखा था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब हम पूरे देश के अंदर 110 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स होंगे, उसमें से एक तमिलनाडु और एक उत्तर प्रदेश के अंदर। जो हमारी जो अभी 4G कनेक्टिविटी है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। टोटल 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी, ओके। और जो टोटल हाईवे से 2024-25 तक वो एक्सटेंड करके कितने किलोमीटर्स के बनाए जाएंगे, 2 लाख किलोमीटर्स के। टोटल 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे। ये सभी चीज़ 110 लाख करोड़ के एक टारगेट के बेस के ऊपर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर करने जाने वाले हैं, राइट। अभी ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 2019 के अंदर हमने लॉन्च किया था, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ने PM गतिशक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया, राइट, 2021 के अंदर, कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सभी मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है वो एकदम इफेक्टिवली यूज़ कर सके, जिसकी मदद से क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम हो, राइट, है ना। बिसाइड द ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा कम हो, राइट, और हम अपनी कैपेसिटी का एकदम इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। ओके, तो ये एक मिशन के अंदर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ने PM गतिशक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया था, जो खुद 1 लाख करोड़ का था, सॉरी 100 लाख करोड़ का है, राइट। कि 110 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है, राइट। ओके, अभी हाँ, नीड क्या है ये मास्टर प्लान की, नीड क्या है ये ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको क्यों चाहिए, कि देयर एग्जिस्ट्स अ वाइड गैप बिटवीन द मैक्रो प्लानिंग एंड द माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू द लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कि हम मैक्रो प्लानिंग तो करते लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, क्यों, बिकॉज जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि जो वर्क को एग्जीक्यूट करने वाले उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उनके भी में एक उनके बीच में इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन हो। बट यस, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है रेल रोड और एयर के वे वो एकदम इफेक्टिवली हो सके, तो क्या है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारा कम हो सके, राइट। अकॉर्डिंग टू द स्टडी द लॉजिस्टिकल कॉस्ट इन इंडिया इज अबाउट 13% ऑफ द GDP विच इज़ हायर देन द डेवलप कंट्री। जो हमारा टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो 13% ऑफ द GDP है, जो डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू दिस हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट इज ग्रेटली रिड्यूस।
इसकी मदद से इंडिया की जो इंडिया के एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो रिड्यूस हो जाती है, तो हो सके इतनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए। यस, इट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड दैट द क्रिएशन ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रूवन वे। कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एक ही वे है कि हमको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि जो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम कर सके, और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हम कम करेंगे तो बाकी बहुत सारी डिपेंडेंट चीज़ों के कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इतना एक्सपेंस होना चाहिए कि जो बाकी के जो डिपेंडेंट खर्च है वो कम हो जाए, राइट। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल गतिशक्ति प्लान लॉन्च किया था, नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च किया था 2021 के अंदर, राइट। ओके, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यस, कि गतिशक्ति प्लान की बात करें तो ये थोड़ा सा मैंने फिगर आउट किया है कि उसमें क्या क्या होने वाला है। कि रोडवेज कैपेसिटी टू बी इंक्रीज, रोडवे की कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाएगी। रेलवेज ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी टू बी इंक्रीज टू 1600 टन बाय फाइनेंशियल 2025। 2025 तक रेलवे की जो ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1600 टन की। रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज 225 गीगावाट बाय 2025। 225 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई 2025 तक। अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स इन वाटर एरोडोम्स, उसका मतलब एक ड्रीम देखा गया है इंडिया के द्वारा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज टू 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। और 4G कनेक्टिविटी फॉर द विलेजेस बाय द फाइनेंशियल 2022। फाइनेंशियल 2022 के अंदर ही विलेज के अंदर भी 4G कनेक्टिविटी पहुँच जाएगी, ऐसा एक प्लान रखा गया था। अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स भी बनाए जाएंगे नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंदर में, राइट। ये जस्ट ये पूरा मास्टर प्लान कैसा होगा, एक कुछ भी नहीं, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने का ये प्लान है, राइट। 110 लाख करोड़ का था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 2019 के अंदर लॉन्च किया था, और ये 2021 के अंदर लॉन्च किया गया है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।